अचानक 5000 कमांडो की नियुक्ति, आपके साथ कोई भी करेगा धोखा तो कमांडो निकाल देंगे हेकड़ी। साइबर ठगों को रोकने का अचूक प्लान तैयार, चाणक्य का माइंड देख घबराए जामताड़ा वाले ठग, उड़ गए होश। फोन से किसी ने 1 रुपए भी निकाला, कमांडो करेंगे ऐसा इलाज, 7 पुश्ते कहेंगी सॉरी, माफ कर दो सरकार। आपका फोन रखा है, आप कोई OTP शेयर नहीं करते, फिर भी ठग आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेते। आप पुलिस के पास जाते हैं, आपको पुलिस साइबर थाने भेजती है, साइबर पुलिस हाथ खड़ा कर लेती है और फिर आम जनता परेशान होती। दुनिया भर पर साइबर अटैक का खतरा बढ़ा है, हमारी आर्मी, हमारी सेना, हमारी देश की सुरक्षा अब साइबर सिक्योरिटी पे निर्भर करती है। इसीलिए अमित शाह ने एक ऐसा कदम उठाया, पाकिस्तान से लेकर चीन तक खड़कंप मच गया। अमेरिका की CIA एजेंसी भी आँख खोल कर फाइल पढ़ना चाहती है, इसराइल की मोसाद तक ये देखना चाहती है कि जिस साइबर अटैक को इसराइल रोकने में नाकाम रहा वो भारत कैसे रोक सकता है। शाह की योजना में ऐसा क्या है जो यूपी में योगी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा, सेना का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। यहाँ तक कि NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्री S. जयशंकर के साथ राजनाथ सिंह तक को देश के दुश्मनों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन सवाल उठता है, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए देश की सरकार कमांडो की नियुक्ति क्यों कर रही है? और ये 5000 जवान जो SPG, NSG, NIA, ATS और STF से अलग है, वो कमांडो क्या करने वाले? शायद ये आपके काम की खबर है, तो सुनिए पूरा विश्लेषण। ये सभी कमांडो पढ़े लिखे और तकनीक को समझने वाले होंगे, जिनकी नियुक्ति साइबर अटैक और साइबर ठग को रोकने की होगी। अमित शाह के प्लान के मुताबिक इसमें SPG, NSG, NIA, ATS और STF की टीम को शामिल किया जाएगा, वो मिलकर ऑपरेशन चलाएंगे। इस योजना का मकसद है देश के भीतर और देश के बाहर मजबूत हो रहे साइबर ठगों और देश विरोधी ताकतों को कमजोर करना। आपको और सरल भाषा में समझाते हैं, बताते हैं कैसे अमित शाह इस पूरी योजना को लागू करने वाले हैं और कैसे पाकिस्तान और चीन के साथ जामताड़ा में बैठे ठगों की कमर टूट गई है। क्या है साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर? ये ऐसी जगह होगी जहां साइबर फ्रॉड रोकने वाली सभी एजेंसियां एक छत के नीचे काम करेंगी। मतलब जैसे मॉल में एक जगह जाकर राशन, कपड़ा और बर्तन सब खरीद लेते हैं, ठीक वैसे ही यहां जाते ही बड़े बैंकों के प्रतिनिधि, पुलिस, केंद्रीय कानून एजेंसियों के अधिकारी और सिम कार्ड कंपनियों के प्रतिनिधि आपको मिल जाएंगे। ये साइबर कमांडो आपकी हर शिकायत को न सिर्फ गौर से सुनेंगे बल्कि आपको इंसाफ भी दिलवाएंगे। जैसे अगर कॉल करके आपके परिचित के नाम पर आपसे फ्रॉड तरीके से पैसे ले लिए गए, आपका फोन हैक करके फोटो वीडियो वायरल कर दिया गया, गैस कनेक्शन, बिजली बिल या मोबाइल पोस्ट पेड बिल के नाम पर फर्जीवाड़ा करे, तो इसकी शिकायत अब आप सीधा एक ही जगह कर पाएंगे। अब आपको न तो बैंक वाले दौड़ाएंगे और न ही थाने का दरोगा FIR लिखने के लिए खर्चा पानी मांगेगा। यानी अब अगर आप साइबर फ्रॉड के शिकार हुए और मुकदमा दर्ज करवाने जाते हैं तो कुछ घंटे के भीतर ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, चाहे वो खाते से पैसे कटने का मामला हो, फोटो वीडियो वायरल होने का केस हो या फिर कोई आपकी जासूसी कर रहा हो, सब कुछ मिनटों में पता चल जाएगा। इसके अलावा गृह मंत्री शाह ने 2 और चीजें लॉन्च की हैं जो बेहद जरूरी है। पहला ये कि समन्वय प्लेटफॉर्म बना है जो वेब आधारित मॉड्यूल है, इसमें एक ही पोर्टल पर आप हर तरह की शिकायत कर सकते हैं। दूसरा है सस्पेक्ट रजिस्ट्री, संदिग्ध बैंक अकाउंट की न सिर्फ पहचान होगी बल्कि उन्हें आसानी से ट्रैक किया जाएगा ताकि आपके खाते से पैसे लूटने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। पर यह कहानी सिर्फ आपके पैसे तक सीमित नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा है। आपको याद होगा कुछ समय पहले PM मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था, तमिलनाडु में बने भारत के परमाणु संयंत्र पे साइबर हमले की कोशिश की गई थी। 2 साल पहले ही अमेरिका की एक कंपनी री सिक्योरिटी ने कहा था, भारत की 55% आबादी यानी करीब 81 करोड़ लोगों का डेटा डार्क वेब पर उपलब्ध है, उनका फोन नंबर, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर तक $80,000 में बेचा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन ये साइबर जाल इतना बड़ा है कि बड़े लेवल पर एक मिशन लॉन्च करना जरूरी था। देश के बड़े बड़े साइबर एक्सपर्ट इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि अब जमाना पहले जैसा वॉर की तरह नहीं है, अब आपको तकनीक से भी मजबूत होना होगा। चीन जैसी जासूसी की चाल चलता है, उसे निपटने के लिए ऐसे कमांडोज बेहद जरूरी है। बीते 10 सालों में जिस हिसाब से भारत में डिजिटल क्रांति आई, हर हाथ में मोबाइल फोन पहुंचा, उसी हिसाब से फ्रॉड के मामले भी बढ़े, आम लोगों को लूटा जा रहा है जिससे कई परिवार उजड़ रहे हैं। इसी को रोकने के लिए मोदी सरकार साल 2018 में पहले 14C का गठन करती,
उसके बाद पांचवे स्थापना दिवस पे गृह मंत्री शाह इसे और मजबूत करने का काम करते जो हमें और आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर उस खतरे को देखते हुए इसे मिटाने की पूरी तैयारी देश के गृह मंत्री ने कर ली। इसलिए मैं मानता हूं कि साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है, साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है।